20 कंपनियां वहां से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियाँ पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। नहीं, सभी जगह पर जो अलर्ट है वो सभी जगह पर दे दिया गया है कि सब अपने अलर्ट मोड में रहें और कहीं पर भी ऐसी वारदात ना होने दें। देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे, वो शहीद हुए हैं। उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको मैदानता में रखा गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसे ही जो हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 15 लोग बताए गए हैं जो आए थे, जिनमें से 1 ब्रोड डेड था, उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन होनी है। और 3 पुलिस कर्मचारियों को गन शॉट थे, वो वहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। देखिए, जिस लेवल जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक का हिसाब बराबर किया जाएगा। सर, कुछ लोग हॉस्टल बना लिए गए थे, उनकी अब क्या स्थिति है? कुछ लोग बंधक बना लिए? नहीं, देखिए, ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था, मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी, तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो ADGP लैंडर ममता सिंह, उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहाँ से उनके बंधन से मुक्त कराया। विपक्ष अभी भी राजनीति करने से बाहर नहीं। देखिए, ये राजनीति करने का That was Haryana Home Minister Anil Vij speaking on the prevailing situation in Haryana. He's saying that all the angles are being probed. Breaking news also coming in as far as the tensions that still simmers in Haryana. Restaurant has been attacked in Rewari. The shops and restaurants have been vandalized by masked miscreants who have attacked the restaurants. The miscreants fled from the spot is what we are getting to know. These tensions are simmering in Haryana. Now restaurants have been attacked.